नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक बहुत ही बड़ी ताजा खबर हमारे सामने निकल कर आई है। हमारी निर्भया की एक आरोपी विनय ने जेल में किताब लिखी है और उसके साथ उसने बहुत सी पेंटिंग भी बनाई है। हम आपको बता दें कि विनय ने एक किताब लिखी है जिसका नाम उसने दरिंदा रखा है। इस दरिंदा किताब ने विनय ने अपनी बहुत सी उस तमाम चीजों को लिखा है जो उन्होंने निर्भया के साथ की है। दोस्तों, इन दोषियों को 22 जनवरी को होने वाली फांसी टलकर अब 1 फरवरी को होने वाली है सुबह 6 बजे, लेकिन अभी भी इनके पास 9 लाइफलाइन बाकी हैं जिससे ये फांसी से बचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना सकते हैं। निर्भया के मुकेश के दोषी को जिनकी लाइफलाइन खत्म हो चुकी हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। उनकी दया याचिका खत्म हो चुकी है। पुलिस ने उनके परिवार वालों को आखिरी नोटिस जारी कर दिया है जिसमें वो आखिरी बार अपने बेटे से मिल सकते हैं। इसके बाद उन्हें सुबह 6 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।